हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल। ये मेरा पहला वीडियो है एंड होपफुली आप सबको अच्छा लगे। अच्छा लगे तो लास्ट में सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना। हम आज के मैच के बारे में बात करेंगे जो है पंजाब वर्सेस चेन्नई सुपर किंग के बारे में। पंजाब नो डाउट बड़े बड़े प्लेयर्स के नाम है, केएल राहुल, क्रिस गेल जो पावरफुल प्लेयर है, क्रिस जॉर्डन, और चेन्नई सबसे पसंदीदा प्लेयर हमारे MS धोनी जिन्होंने भारत के लिए बहुत अच्छा खेला। बट पिछले IPL और इस IPL के अगर देखा जाए तो उनकी टीम इतनी ज़्यादा अच्छी प्रदर्शन नहीं कर पा रही है। एक कारण है बॉलर्स और उनकी टीम की फील्डिंग, बिकॉज कहीं ना कहीं एज फैक्टर जो है वो कहीं ना कहीं काम कर रहा है, बट धोनी फैक्टर जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट करता है। मैच होने वाला है वानखेड़े स्टेडियम में बॉम्बे के अंदर, और बॉम्बे का पिच कैसे बर्ताव किया कल के मैच में वो आप लोगों ने देखा ही होगा कि जिस पिच पे 200-250 रन बनने की उम्मीदें थी वहाँ पे एक टीम 150 के अंदर ऑल आउट हो जाती है और दूसरी टीम को 150 तक पहुँचने के लिए भी बहुत मशक्कत करनी पड़ रही थी। लेकिन फिर भी अगर आज का मैच देखें तो दोनों टीम में अच्छे बड़े हिटर्स हैं, भले ही गेंद कैसी भी हो। और हमारे धोनी साहब को तो ऐसे ही मैच में किक मिलती है जहाँ पे थोड़ा सा ऐसा टफ कंपटीशन हो, तो मेरे हिसाब से आज चेन्नई का पलड़ा भारी रहता है। और उसके लिए अगर देखा जाए तो चेन्नई के पास ये भी है कि घायल शेर है और वो उससे से ज़्यादा घातक का निशाना बनाएंगे। क्रिस गेल केएल राहुल देखने लायक होंगे आज के मैच के अंदर। और अगर देखा जाए बॉलर्स की बात करें तो मोहम्मद शमी जो है वो बहुत अच्छा बॉलिंग करते हैं, तो मैं मोहम्मद शमी को बोलूँगा कि वो भी आज के मैच में उनका भी प्रदर्शन देखने लायक हो सकता है। डैन ब्रेवो बैटिंग और बॉलिंग ऑलराउंडर के हिसाब से बहुत ही बढ़िया खेलते हैं और मैच घुमाने के लिए बहुत ज़्यादा सक्षम है। इधर सैम करन, मेरे को ठाकुर से इतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं है और ना वो मेरे पसंदीदा प्लेयर में से। बैटिंग की बात की जाए चेन्नई की तो सुरेश रैना बहुत ही बेहतरीन खेल सकते हैं। फैफ डुप्लेसिस के आने के चांसेस मेरे को लगता है कि आज अच्छा खेल सकते हैं वो, तो मैं इसके ऊपर अगर देखा जाए तो मेरे चेन्नई के तीन बैट्समैन मेरे को जो अच्छे लगेंगे वो है रैना, फ्लेसिस, जडेजा, ऑलराउंडर ब्रेवो, एंड अगर बॉलिंग की बात की जाए तो सैम करन। उधर अगर पंजाब की बात की जाए तो मोहम्मद शमी, क्रिस गेल, जॉर्डन एंड केएल राहुल, ये मेरे जो है जिन प्लेयर्स पे मेरे को भरोसा है कि जो आज अच्छा खेलेंगे। अब देखते हैं आज के मैच में क्या होता है, क्योंकि मैच कोई भी मैच किधर भी जा सकता है, और मेरी उम्मीद है कि मुझे जैसा लगता है कि शायद आज चेन्नई मैच को निकालने में सक्षम हो जाए। देखते हैं 6 बजे क्या होता है, मतलब 7:30 बजे क्या होता है और किस तरीके से और किस दिशा में ये मैच जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगे आपको तो आप सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लाइक करो, कमेंट करो और प्यार बरसाओ। अगर कुछ गलत हो तो आप वो भी बताओ। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो अंत तक देखने के लिए, और फिर मुलाकात करेंगे कल के मैच के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।